उपराजधानी दुमका की सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन घटिया किस्म का है। यह खुलासा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के औचक निरीक्षण में हुआ। दुमका दौरे पर आए खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष प्राथमिक विद्यालय बागडूबी पहुंचे और स्कूली बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया, वही खाना जो हर दिन बच्चों को दिया जाता है। सोमवार से शनिवार तक लिखे हुए मेन्यू के मुताबिक स्कूलों में बच्चों को कभी भोजन नसीब तो होता नहीं, ऊपर से फल अंडा भी थाली से गायब रहता है। आयोग के अध्यक्ष ने इस घटिया मध्याह्न भोजन को देख अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अधिकारी संवेदनशील बने, संवेदनहीन नहीं, वरना कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। पौष्टिक आहार के नाम पर सिर्फ घोटाला ही घोटाला है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि रांची में विभाग के वरीय अधिकारी से इसके समाधान का रास्ता निकालने के लिए विचार किया जाएगा। जो स्कूलों के बाहर मेनू डिस्प्ले किया गया है उस हिसाब से भोजन नहीं दिया जा रहा है और भोजन की गुणवत्ता खराब है ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था और इसलिए मैं बच्चों के साथ बैठकर मैंने इसलिए खाया ताकि मैं देख पाऊँ कि वो भोजन के लायक है कि नहीं। ये दुखद स्थिति मैंने देखी, बहुत सुखद तो नहीं थी, लेकिन जो बच्चों के को इसलिए दिया जाता है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, अगर उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, उनको जैसे स्कूल में जहां गए वहां पर ये बताया गया कि दाल पूरा सीझा हुआ नहीं था, पका हुआ नहीं था, ये बताया गया हेडमास्टर द्वारा कि वो पानी ऐसा है कि उसमें दाल पकता नहीं है, तो उसके क्या निदान है, कैसे रास्ते निकाले जाएँ ताकि हमारे बच्चे प्रभावित ना हों, ऐसी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और हम जब जिला मुख्यालय से हम राज्य मुख्यालय जाएंगे तो हम विभाग से इस बात के लिए पत्राचार करेंगे, विभाग से को से आग्रह करेंगे कि ऐसी स्थितियों से निपटने के कोई तरीके निकाले जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। और मैंने ये सभी पंचायत के मुखिया से आग्रह किया है कि वो अपने पंचायत के मुख्यालय में एक होर्डिंग लगाएँ जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी योजनाओं का उल्लेख हो ताकि पंचायत का हर व्यक्ति ये जान पाए कि उनके अधिकार क्या हैं, ताकि अधिकार जान जाएंगे तो उनको न डीलर मनमानी कर सकता है, न आंगनबाड़ी केंद्र में मनमानी हो सकती है, न स्कूलों में मनमानी हो सकती है, न कुपोषण उपचार केंद्र में मनमानी हो सकती है। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on. Nursery to class 11th. CCTV slash classroom, अत्याधुनिक library और lab की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, music teacher, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। Girls boys के लिए hostel, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का admission. Delhi Public School.